बिना संशय के मैं कहूंगा पाकिस्तान से कि मन आनंदित हुआ, मिट गई सारी झेप। मन आनंदित हुआ, मिट गई सारी झेप। पाकिस्तानियों तुम्हें मुबारक हो, 300 आतंकवादियों की पहली खेप। अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। न भाषण से है उम्मीदें, न वादों पर भरोसा है, शहीदों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव ने एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाने वालों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों को सबूत चाहिए, सेना ऐसे लोगों को अपने साथ ले जाए और सबूत ढूंढने के लिए वहीं छोड़ आए। दरअसल हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव और कवि कविता तिवारी मंगलवार को बांदा पहुंचे थे। यहां उन्होंने शहर के अशोक लाट तिराहे पर कैंडल मार्च जलाकर शहीदों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। सेना के ऊपर जो सवाल उठाए, वायुसेना हो, थल सेना हो, जल सेना हो, भारत की किसी सेना पे जो सवाल उठाए, शंका करे, मैं सिर्फ सेनाओं से निवेदन करूंगा कि जब भी अगली बार बम फेंकने जाएं पाकिस्तान में, तो इनको भी आगे बिठा के लेके जाएं अपने साथ में। आज देश जिस संकट से गुजर रहा है, जिस राजनीतिक संकट से गुजर रहा है, मैं राजनीतिक संकट इसलिए कह रही हूं क्योंकि जब हमारे जवान शहीद होते हैं तो हम मुखौटे लगाकर निंदा करते हैं, और जब उस शहादत का बदला देश लेता है तो कुछ लोग सबूत मांगने लगते हैं। ऐसे राजनीति का घिनौना स्वरूप हमारे सामने है, इसलिए मैं खुलकर सामने आई हूं और देशवासी से ये अपील करने आई हूं कि देशवासियों, लोकसभा चुनाव में सिर्फ और सिर्फ उसका साथ दीजिएगा। मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, मैं किसी दल का नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन आपको जगाने आई हूँ कि आपका साथ सिर्फ और सिर्फ उसके साथ हो जो देश के साथ हो।